कुरुक्षेत्र की उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले के साथ साथ थानेसर शहर में कोरोना वेव 2 में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा बनाए गए कंटेनमेंट जोन के नियमों की उल्लंघना किसी को नहीं करने दी जाएगी। अगर किसी ने कंटेनमेंट जोन की उल्लंघना करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहम पहलू यह है कि होली पर्व पर राज्य सरकार के आदेश अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। इसलिए लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि होली पर्व को अपने घरों में रहकर ही मनाएं। आपको बता दें कि उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ व पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग के नेतृत्व में शहर के लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस के नियमों की पालना करवाने के प्रति जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला गया। साथ ही सेक्टर 13 तथा सेक्टर 7 में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का औचक निरीक्षण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने कहा कि कोरोना महामारी का दोबारा प्रकोप बढ़ गया है, इसलिए प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन पर पूरी तरह फोकस किया है। इन कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 के नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। इतना बड़ा डिजास्टर है कोविड-19, तो इसके फैलाव के लिए फैलाव ना हो तो क्या एहतियात कदम रखे जा रहे हैं? देखिए, ये जो वेव है कोविड की, इसमें कुरुक्षेत्र में काफी केसेस आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा प्रयास है कि एक तो जितने भी कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं उनकी सख्ती से उनको इन्फोर्समेंट रहे, वहाँ पे लोग बाहर ना निकले जो भी कोविड इन्फेक्टेड लोग हैं, और उसके लिए ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई हुई है दोनों मजिस्ट्रेट्स की, एंड वो रैंडमली आके चेक करेंगे कि वो लोग कहीं बाहर तो नहीं निकलते। साथ ही में जो पब्लिक है उनको मैं अपील करना चाहती हूँ कि जब भी आप बाहर निकलते हैं घरों से मास्क अवश्य पहने, साथ ही प्रॉपर डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ धोते रहें, और खासकर जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं आप अननेसेसरली बाहर ना निकले। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है फिर भी बाहर निकले, और जब भी बाहर निकलते हैं मास्क को हमेशा लगा कर रखें। अराउंड 800 हैं, तो काफ़ी नंबर ऑफ केसेस काफ़ी बड़ा है, और अर्बन एरियाज में हमारे केसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया, तो उसमें से भी जो थानेसर का एरिया है अर्बन एरिया, उसमें हमारे केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जल्दी ही होली का फेस्टिवल आने वाला है, इसमें वही है कि जो होली के जो ग्रुप एज ए ग्रुप फेस्टिवल बनाने पे रोक लगी है, तो मैं लोगों से ये अपील करूंगी कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। बड़ा डिजास्टर है और उसका फैलाव ना हो सके, तो जनता के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं प्रशासन की तरफ से, कुछ प्रशासन की तरफ से? देखिए, क्योंकि एकदम से एक्सपर्ट आया है दोबारा से, तो हम सबका ये प्रयास है कि इसको हम कंट्रोल करें। तो जो पहले की स्ट्रैटेजीज रही हैं कंटेनमेंट जोन को कंट्रोल करने की, वो हम दोबारा से इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमारी लगातार पुलिस की पार्टीज़ गश्त करेंगी जहाँ कंटेनमेंट जोन बने हैं, लोगों को अवेयर करेंगे हम, मास्क का पहनना भी हम इन्फोर्स करेंगे। काफ़ी भारी संख्या में चलान हो भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जहाँ पॉजिटिव केस आया उसको कंटेन कर लें, और प्रिवेंटिव तौर पर जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनको हम ये मोटिवेट करेंगे वो मास्क लगाएँ, और जो फिर भी नहीं मानते उनका चलान करें। होली फेस्टिवल नज़दीक है, तो पुलिस की तरफ हमारे प्रयास ये रहेगा कि हम पब्लिकली जो होली हमेशा खेलने की टेंडेंसी रहती है वो हम इस बार कंट्रोल करें, और हम लोगों को अपील करें कि भाई पब्लिकली होली ना खेलें, अपने घर के अंदर रहें, घर के अंदर घरवालों के साथ होली करें, ना कि पब्लिकली कम्युनिटी लेवल पर होली। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।